हम वोटरों को पोलिंग बूथ से भगा देते थे। 25-30 लोगों को देखकर वैसे ही लोग डर जाते हैं। हम सीपीएम के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ करते थे। हम विपक्षी कार्यकर्ताओं को बंदूक और हथियारों से डराते थे। त्रिलोचन मेरा सबसे छोटा बेटा था। कॉलेज में उसकी परीक्षा चल रही थी। आज भी उसकी परीक्षा थी। अगर उसकी जगह मुझे मार देते तो कम से कम मेरा बेटा जिंदा रहता। जो जो लड़का लोग हिंदुत्ववादी नेता है, जो बीजेपी को समर्थन किया, जान बिड़ा दिया है, और जो जो एक्टिव भाजपा करता है, उसको मार के खत्म करने का प्रयास है दीदी का, ताकि बंगाल में बीजेपी और ना बढ़े। पंचायत इलेक्शन जो भी खत्म हुआ, उसमें इतनी वायलेंस क्यों हुई? लोग अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं दाखिल दे पाए। मेरे जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ कभी हिंसा नहीं हुई। सभी खुश हैं और शांति से रह रहे हैं। जो हल्की फुल्की हिंसा हुई है वो भाजपा का किया धरा है, क्योंकि सीपीआईएम के सभी चोर और गुंडे भाजपा में शामिल हो गए हैं। मेरा बेटा घर के बाहर गया और उसके बाद मैंने उसका शव देखा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कम है, तो वो पार्टीज के ऊपर वो डिपेंड करते हैं या गवर्नमेंट डोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो लोगों को स्टेक्स काफी ज्यादा है, तो वो लोगों को लगता है कि एक पंचायत भी हम नहीं छोड़ेंगे या एक म्यूनिसिपैलिटी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये छोड़ने से हमको नेक्स्ट 5 साल में हम लोग कैसे खाएंगे रहेंगे।